कि 16 नवंबर जब 2000 जो है 1900 जो है 92 को वहाँ से जब जो है फैसला हुआ, उस फैसले का हमारे देश में इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसका कोई जवाब नहीं। वो नुकसान कैसे हुआ कि हमारे ओबीसी में क्रिमिनल लगा दिया गया कि जिनकी आमदनी उस समय 1 लाख थी, अब तो बढ़ के 8 लाख हो गई, सालाना 1 लाख होगी, वो जो है क्रीमी लेयर के कारण आरक्षण के दायरे से बाहर रहेंगे, और जिनकी आमदनी 8 लाख मासिक के नीचे होगी वो जो है कहाँ होंगे, आरक्षण के दायरे में होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने चालाकी बस किया, हुआ क्या उसका परिणाम, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे भाई बंधु जो अपने बच्चे को इलाहाबाद दिल्ली बॉम्बे पढ़ाकर IAS PCS IPS बना सकते हैं, उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया कि आप जो है आप क्रिमिनल लेयर के कारण जो है बाहर है। जैसा कि 314 IAS अभी जो है 4-5 साल पहले इस जो है गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया जो है OBC के बच्चों को। और दूसरा नुकसान क्या है, जो प्राइमरी में पढ़ के आ रहे हैं, जो चपरासी बनने लायक नहीं है, उनको सरकार कह रही आइए हम आपको DM बनाएंगे। ये नुकसान हुआ जो है, और बहुत सोची समझी साजिश इस देश में चल रही। और इस देश में मनवादियों की गुलामी मल्टीफोल्डर है। अंग्रेजों ने हमें सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में गुलाम बनाया था, मनवादियों ने हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक सभी क्षेत्रों में गुलाम बनाया। इसलिए आज कहा जाता है कि अंग्रेजों की गुलामी 1 फोल्डर थी, मनवादियों की गुलामी मल्टी फोल्डर है। उसी के तहत जो है आज हमारा आरक्षक संघ जो है पूरे ऑल इंडिया स्तर पे हमारे पदाधिकारी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और उनके सम्मुख में अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं। सम शिक्षा अभियान से तो आप ये समझ लीजिए कि 1% का नुकसान नहीं है, सम शिक्षा अभियान से सबका फायदा ही फायदा है। लेकिन विषम शिक्षा अभियान जो लोग चला रहे हैं देश में, उसका नुकसान ही नुकसान पूरे जो है दुनिया भारत में है, और उसका मैं 1-2 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जैसे आप जो है IAS PCS वहाँ जो है जब इस 1 क्लास 2 क्लास की नौकरी में हमारे देश के जो है बच्चे जब जाते हैं कंपटीशन में, तो होता क्या है कि जो प्रश्न पत्र रहता है वही प्रश्न पत्र सबको दिया जाता है IAS PCS में ना, और IPS में। उसमें तो ये जो है कैटेगरी तो नहीं बनाई जाती, भाई जो प्राइमरी से पढ़कर आया है उसके लिए दूसरा प्रश्न पत्र होगा, या जो कॉन्वेंट से पढ़ के आया उसके लिए दूसरा जो है प्रश्न पत्र होगा, या जो अंग्रेजी माध्यम से है उसके लिए दूसरा प्रश्न पत्र होगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, सबके लिए एक होता है। तो ये जो है सम शिक्षा न होने के कारण हमारे देश के जो सर्वहारा वर्ग है, निर्बल गरीब जिसे SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हो, उसको जो है IAS PCS में जाने से क्या हुआ, 16 नवंबर 1992 को जो फैसला हुआ आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट से 31 जजों की पीठ ने जो किया, उसमें जो है सबसे मजेदार चीज 9 जजों की पीठ थी, 31 वकील थे उधर से जो है, और उसमें मजेदार चीज क्या हुआ कि 16 नवंबर जब 2000 जो है 1900 जो है 92 को वहाँ से जब जो है फैसला हुआ, उस फैसले का हमारे देश में इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसका कोई जवाब नहीं। वो नुकसान कैसे हुआ कि हमारे ओबीसी में क्रिमिनल लगा दिया गया कि जिनकी आमदनी उस समय 1 लाख थी, अब तो बढ़ के 8 लाख हो गई, सालाना 1 लाख होगी, वो जो है क्रीमी लेयर के कारण आरक्षण के दायरे से बाहर रहेंगे, और जिनकी आमदनी 8 लाख मासिक के नीचे होगी वो जो है कहाँ होंगे, आरक्षण के दायरे में होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने चालाकी बस किया, हुआ क्या उसका परिणाम, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे भाई बंधु जो अपने बच्चे को इलाहाबाद दिल्ली बॉम्बे
पढ़ाकर IAS PCS IPS बना सकते हैं, उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया कि आप जो है आप क्रीमी लेयर के कारण जो है बाहर है। जैसा कि 314 IAS अभी जो है 4-5 साल पहले इस जो है गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया जो है OBC के बच्चों को। और दूसरा नुकसान क्या है, जो प्राइमरी में पढ़ के आ रहे हैं, जो चपरासी बनने लायक नहीं है, उनको सरकार कह रही आइए हम आपको DM बनाएंगे। ये नुकसान हुआ जो है, और बहुत सोची समझी साजिश इस देश में चल रही है। लोग आज जो है क्या माखौल उड़ाते हैं, अरे भाई आरक्षण से अयोग्य लोग आते हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आरक्षण से अयोग्य लोग नहीं जाते हैं, योग्य लोग जाते हैं। उसी का परिणाम है ये सर्व शिक्षा अभियान। कैसे अयोग्य लोग जाते हैं कि पहले इस देश में लोगों को ये समझना चाहिए कि आरक्षण होता क्या है। BP मंडल कमीशन में जो लिखा है त्रिस्तरीय आरक्षण प्रणाली होनी चाहिए, उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपको कह दें कि हम आपको अमेरिका में चाय पिलाएंगे तो आपकी जेब में एक नया पैसा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा आपको अमेरिका में चाय पिलाने के लिए, आपका पासपोर्ट बनवाना होगा, आपका किराया हमको बेयर करना होगा, और उसके बाद अमेरिका में जाकर हम आपकी चाय का पैसा भी हमको देना होगा, तब उसके बाद जो है आपको हम चाय पिला पाएंगे। यही धोखा हमारे लोगों के साथ हुआ। आज जो गलतफहमी समाज में फैली हुई है, लोग कहते हैं आरक्षण से अयोग्य लोग जाते हैं, आरक्षण त्रिस्तरीय आरक्षण प्रणाली है, हमको सबसे पहले शिक्षा में समान कीजिए, उस लायक बनाइए हम DM बन सके। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसमें जो है PCS और उसमें प्री में हमको जो है और जो है मेंस में आरक्षण चाहिए, और तब उसके जाक में तीसरा स्थान क्या होता है, नियुक्ति में आरक्षण हमको मिलना चाहिए। ये आरक्षण की प्रक्रिया है। और जो है हमको आरक्षण कहाँ मिला है, केवल नियुक्ति में मिला है, चाहे वो जो है इंग्लैंड से कोई पढ़ के आया हो और चाहे कोई भारत का प्राइमरी का पढ़ा हुआ बच्चा हो, सबके लिए जो है पेपर्स एक समान आते हैं। अगर जो है उस पेपर में हमारे बच्चे पढ़कर और टॉप कर रहे हैं, IAS PCS में जो है अच्छी रैंक हासिल कर रहे हैं, तो इससे गौरवान्वित और कुछ हो ही नहीं सकता है हमारे देश के लिए कि हमारे बच्चे इतने कम संसाधन में और इतनी अच्छी जो कम शिक्षा के होते हुए और जो टॉप क्लास के जो है बच्चे हैं उनकी बराबरी कर रहे हैं। हमें तो केवल नियुक्ति में आरक्षण मिला है, वो भी 27% और SC ST को 22.5%। तो मित्रों इस चीज को आप लोगों को बीपी मंडल की कमीशन की रिपोर्ट को समझना होगा। और जो लोग कहते हैं कि आरक्षण से अयोग्य लोग जो है जाते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत कई जगह हमने कर दिया, हमारा कुर्ता पकड़ खींचा जाने लगा। और सही चीज है वो ये है, मजेदार बात क्या है, मजेदार बात ये है कि जो लोग कहते हैं, इसको हमने कई जगह फैजाबाद में भाषण में बोल दिया, पत्रकार लोग हमारे पीछे पड़ गए। हमने कहा जो लोग कहते हैं आरक्षण अयोग्य लोग आते हैं, हमने कहा माइक के माध्यम से चैलेंज के साथ, हमने कहा जो बगैर आरक्षण के जो है गए हैं एक क्लास के अफसर इस भारत में, चाहे जिस राज्य से हो, तो वो लोग जो 11 लोगों की जो है समित होती है, वो प्रधानमंत्री का भाषण लिखते हैं और राष्ट्रपति का भाषण लिखते हैं, उन लोगों ने तो पूरी दुनिया में शीशा लेदर भारत की करवा दिया। जैसे इस तरह का अंग्रेजी लिख दिया जो है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है अमेरिका में बोले, पूरे भारत में शीशा लेदर हो गया। अब ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं IAS जो प्रधानमंत्री को भाषण लिख के देते हैं। बांग्लादेश में क्या किया, बांग्लादेश में कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी 1971 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम भी जो है जेल गए थे, भारत खुद बांग्लादेश के समर्थन में था, इंदिरा गांधी मुक्त वाहिनी सेना बना के उसकी मदद कर रही थी जिससे ये देश अलग हो जाए, पाकिस्तान का आना जाना बंद हो जाए, तो माननीय नरेंद्र मोदी जो है पाकिस्तान की जेल में गए थे जो है बंद होने।
ये जो है अगर हमारे क्लास के जो है यहाँ ये क्लास के अफसर जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत योग्य हूँ, उनके मुंह पर ये तमाचा है कैसा भाषण लिखकर हमारे प्रधानमंत्री को देते हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, और वो लोग कहते हैं भैया अच्छे से अयोग्य लोग आते हैं, अब तक तो जो है कोई अयोग्य आदमी जो है इस तरह का भाषण लिख के तो नहीं दिया कि पूरी दुनिया में जिसकी शिक्षा लेदर हो जाए।